नमस्कार, मेरा नाम शेफाली है। वुमन विद विंग्स एक प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट, टुगेदरनेस, कोलैबोरेशन पर काम करता है। समय की मांग और अपनों के प्यार ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत है विमेन अपलिफ्टमेंट की या सबको साथ लेकर सबके साथ चलने की। वहीं हमारा एक इनिशिएटिव है पॉजिटिव वाइब्स, जहां हम डेली एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक पॉजिटिव थॉट शेयर करते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर। आज अचानक एक सवाल आया, वहां यूं ही एक सवाल उठा कि कैसे रहें पॉजिटिव, कैसे अपने आप को संयम में रखें। जब ये थॉट आया, जब ये सवाल आया हमारी किसी बहन का, तो वुमन विद विंग्स ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए। यही हमने एक सवाल, एक मनोबल कैसे बढ़ाएं, ये भी आया हमें। वहाँ हमने सोचा कि कुछ किया जाए जहाँ हम मनोबल बढ़ा पाए लोगों का। तो कल से वुमन विद विंग्स एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एमर्जिंग पावर्स विद इन। इस कोरोना में हमने ये सिखा दिया कि दूर रहकर भी आप किसी के पास रह सकते हैं। इसी सोच के साथ आज वुमन विद विंग्स एक नई श्रृंखला अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, एमर्जिंग पावर्स विद इन। और आज हमारे साथ है वैशाली। नमस्कार वैशाली, वुमन विद विंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं विद 16+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेशनल इंटरनेशनल सेल्स मार्केट आप हैंडल करती आई हैं। आपने HCL, IGT Solutions, वैल्यू इनोवेशन लैब्स जैसी कंपनीज के साथ काम किया है। मेडिटेशन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका और शक्ति में अटूट विश्वास है आपका। आज हम आपसे जानना चाहेंगे एमर्जिंग पावर्स विद इन के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वुमन विद विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपसे सुनना चाहेंगे आज। थैंक यू सो मच शिफाली फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो आज जैसे जब आपने क्वेश्चन शेयर किया कि लोग स्पेशली कोविड को लेके दे आर इन पैनिक एंड नो लाइक दे नीड सम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो तब ये एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक राजा होता है और उस राजा का एक मंत्री उसे बोलता है कि बहुत तूफान आने वाला है। तो राजा कहता है कि तूफान आने वाला है तो क्या लग रहा है आपको कि वो इस तूफान में कितना नुकसान हो सकता है। तो उसने कहा कि लगता है कि 500 लोग ये लेकर जाएगा ये तूफान। तो जैसे मंत्री ने कहा होता है वैसे ही तूफान आता है, और लेकिन उसमें कैजुअलिटीज जो होती है वो 5,500 लोगों की डेथ मतलब होती है। तो राजा बहुत परेशान होता है और वो कहता है आपने तो कहा था सिर्फ 500 लोग जाएंगे लेकिन इसमें तो 5,500 लोग चले गए, वो कैसे। तो मंत्री उनको जवाब देते हैं कि कहते हैं कि जो तूफान के थ्रू तो सिर्फ 500 ही लोग गए हैं लेकिन जो बाकी 5,000 लोग हैं वो फियर की वजह से चले गए हैं। तो यही सिचुएशन आज हमारे सामने है कि कोविड तो एक सिचुएशन है ही है जो हम सभी फेस कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में एक साथ ये सिचुएशन आ रही है। लेकिन जो फियर है वो एक बड़ा पैंडेमिक है, क्योंकि वो फियर जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बल्कि इम्यूनिटी पावर इतनी लो कर देता है वो कि हम उससे डील ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी लो हो जाएगा फिर, और ऑक्सीजन लेवल। सही बात कही है आपने कि जो फियर फैक्टर है, एंजाइटी है हम लोगों के बीच में। आई थिंक बीमारी तो एक चीज है जो हम लोगों को हम परेशान हो रहे हैं, आम जनता इतनी परेशान हो रही है, पर फियर और एंजाइटी जो है वो शायद बहुत ज्यादा इंटरनली इमोशनली हमें परेशान कर रहा है। तो शायद आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे इन चीजों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छा मेडिटेशन भी करती हैं और ज्ञान के थ्रू, बातों के थ्रू। बिल्कुल, हम आपसे आज ये सब चीजें जानना चाहेंगे। और अगर आप ये हमारे दर्शकों को, आई थिंक बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी आ रहे हैं हमें, अगर ये आज आप थोड़ा सा भी हमें एक जिंदगी में टच कर पाएंगे तो शायद हमारे लिए बहुत होगा। श्योर। सो सबसे पहले तो मैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि ऑक्सीजन लेवल लोगों के कम हो रहे हैं तो इसे किस तरह से डील किया जा सकता है, पहले तो मैं वो बताना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हम सभी को पता है लेकिन शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं उन्हें, या उन्हें जानकर भी
नहीं कर रहे हैं तो इट्स लाइक दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर री इन्फोर्समेंट. यू ऑल नो दिस, आई एम जस्ट री इन्फोर्सिंग दिस कि प्राणायाम करें, आलोम विलोम, कपाल भारती, ये सारी क्रियाज जो है जितने भी प्राणायाम से ये जरूर करें, चाहे आपको कोविड है या नहीं है फिर भी आप ये करें. उससे आपके लंग पावर इंक्रीज होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा. कहते हैं कि पेट के बल पे लेटने से, थोड़ी देर लेटने से भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये भी करें. फिर कपूर, अजवाइन और लौंग, इसकी एक पोटली बना लें. इस पोटली को आप अगर इनहेल करते हैं तो इससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है. फिर एक और आयुर्वेदिक हमारा ट्रीटमेंट है सीतोपलादी प्लस हनी, इसे मिलाकर अगर पूरे दिन में दो बार लें तो इससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो बट आप अपने चाहें तो अपने डॉक्टर से भी ये सब चीज़ें, मतलब प्राणायाम भी मैं कहूँगी कि किसी के अंडर ही करें, ताकि जो बिल्कुल न्यू है जिन्हें नहीं पता तो कुछ गलत ना करें, तो इसलिए पहले एक गाइडेंस जरूर ले लें. फिर स्टीम जरूर लें, गर्म पानी पिए, बीटाडीन गागल्स कर सकते हैं. तो इस तरह से ये पूरी ये चीज़ें जो हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही बढ़िया रखेगा, चाहे और कोविड के दौरान भी जिनको है भी तो भी वो अलोम विलोम चाहे जितना कर सकते हैं वो जरूर करें. दूसरा है डाइट, तो डाइट में भी मैं कहूँगी कि वेज डाइट लें और नो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें. आजकल तो वाटरमेलन है, खरबूजा है, तो ये सब चीज़ें फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, मिल्क प्रोडक्ट्स ले लें, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, पनीर दाल. और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाने को परमात्मा की याद में बनाए, क्योंकि जो वो वाइब्रेशंस इंक्रीज करने वाला है वो कुछ भी उसको मैच नहीं कर सकता. सात्विक फूड का मतलब ये नहीं कि खाली आप वेज फूड खा रहे हो, सात्विक फूड का है जो परमात्मा की याद में पकाया जाए और परमात्मा की याद में ही खाया जाए, क्योंकि यही हमारी एंजाइटी को कम करेगा. इवन वाटर, वाटर को आज की डेट में ऐसे नहीं पिए, या कोई भी बेवरेज है उसे ऐसे नहीं पिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में इतनी एंजाइटी है, इतना फियर है कि आप इस तरह से अगर वाटर को ले लेंगे तो, क्योंकि वाटर कहते हैं इट हैज मेमोरी, तो वाटर में वो इतना ज्यादा एंजाइटी ऑलरेडी है कि आपने पी लिया पानी तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्यों एंजाइटी फील कर रहे हो, बट आपको फील होगी. तो इसीलिए वाटर को भी ब्लेस करें, गॉड की पावर उसमें डालें, एक सेकेंड लगता है उसमें गॉड की पावर डालें और नो उसे पिए. उसी तरह से घर की वाइब्रेशन को भी आप हाई रखें. घर की वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए भी जैसे आप ओम चैंट लगा सकते हैं, पाठ लगा सकते हैं, सुखमणि साहब जी का पाठ लगा लीजिए, या जो भी मंत्रा जिसमें आप आपके रिलीजन के मंत्रा जो आप बिलीव करते हैं वो लगा लीजिए, गायत्री मंत्र लगा लीजिए. तो इस तरह से घर की वाइब्रेशंस को भी आप हाई कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट जस्ट फॉर नो लाइक मेंटल एम्पावरमेंट, इट इज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, इट इज फिजिकल एम्पावरमेंट, हर तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा. और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि मेडिटेशन हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत 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 हाई लेके जाते हैं. और मेडिटेशन में भी मैं आपको ये बोलूँगी कि एक मेडिटेशन होता है जिसमें आप सिर्फ ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो अच्छा है, नो डाउट. बहुत सारे मेडिटेशन रहते हैं तरीके कि आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, या आप कोई मंत्रा चैंट कर रहे हो, या बट ये सारे जो मेडिटेशन है ये एक लिमिट वाला मैं कहूँगी कि जितनी देर तो आप कर रहे हो उतनी देर तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन जैसे ही आप ये छोड़ोगे तो आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे. तो इसलिए राजयोगा मेडिटेशन पे मैंने अपने पर्सनली ट्राई किया है, मुझ पर वो वर्क किया है, तो मैं इसीलिए आपसे शेयर करना चाहूँगी. आई विल नॉट से गो डू दिस और नॉट डू दिस, बट आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट हैज़ वर्क फॉर मी. तो राजयोगा मेडिटेशन में बिकॉज हम कनेक्ट करते हैं परमात्मा के साथ, एक सुप्रीम पावर के साथ, तो वो लॉन्ग रन में वर्क करती है हमारे ऊपर. तो आइए एक एक्सपीरियंस लेते हैं इस मेडिटेशन का. बिल्कुल, उससे पहले एक क्वेश्चन है वैशाली, क्या आप उसको लेना चाहेंगे? हाँ, हमारे एक ऑडियंस है शिखा, वो जानना चाहती है कैन यू शेयर टू टिप्स टू रिलैक्स आवर माइंड. या सो मेडिटेशन इज वन एंड प्राणायाम, सो ये दो जो है ये माइंड को ही रिलैक्स करता है. और आप खुद ही एक्सपीरियंस जब करेंगी ये मेडिटेशन तो आप देखेंगी, और मुझे आप इसके बाद जरूर बताना कि आपके माइंड को कैसा फील हो रहा है. बट प्राणायाम जरूर करें, जैसे अलोम विलोम, कपाल भारती, बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ी देर के लिए करने की जरूरत है, लेकिन इतने रिजल्ट्स बहुत हाई हैं इन सबके.
तो अभी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम एक छोटा सा मेडिटेशन एक्सपीरियंस ले रहे हैं विशाली के साथ, और विशाली एक मेडिटेशन म्यूजिक शेयर करेंगे, और उस पर विशाली थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि कैसे करना है, बिकॉज हो सकता है कुछ दर्शकों को नहीं पता हो। आप आंखें खोल के कर सकते हैं, और इसमें जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ बस इस जर्नी पे मेरे साथ चलें, और कुछ नहीं करना। परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, सारी तरफ से बुद्धि को हटाते हुए अपने आप पे फोकस करें। ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा की वाइब्रेशन हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। I am a divine soul। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। I am a powerful soul। मेरी हर एक सोच, हर एक बोल दुआ है, पवित्र है, ब्लेसिंग है। मेरा मन स्टेबल है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं, परिस्थिति को प्रभावित करने वाली आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ, फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। शांति मेरा संस्कार है। आई एम अ पीसफुल सोल। मेरा मन शांत है, बोल मधुर है। मेरा हर एक कर्म श्रेष्ठ है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं मेरी चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही है। ये पावरफुल शक्तियां मुझसे हर एक आत्मा तक पहुंच रही है, जिस भी आत्मा को इस समय एंजाइटी, डिप्रेशन,
या पावरफुल शक्ति की जरूरत है। हर एक आत्मा तक ये शक्तियाँ पहुँच रही हैं। हर एक आत्मा फियरलेस है, निडर है, सुरक्षित है। हर एक का मन शांत है, हर एक निरोगी है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं मेरी सृष्टि के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। विजुलाइज करें पूरे अर्थ, पूरे ग्लोब के अराउंड एक गोल्डन वाइट लाइट की प्रोटेक्टिव शील्ड मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। परमात्मा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर एक का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उन सभी आत्माओं का शुक्रिया जो इस वक्त जो इस वक्त अपना न सोच के हर एक आत्मा को सोच रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिन भर की थकान दूर हो गई है और बहुत ही लाइट में महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी वही फील हो रहा है। एक उरूस का तो मैसेज आया है कि सो सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, थैंक यू फॉर दिस सेशन इन दिस हसल बसल ऑफ क्योटिक लाइफ। वी नीड पीस ऑफ माइंड रियली। सो बस यही हमें अभी से इस पीस को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखते हैं। और इसी के साथ हर पल आप हर एक घंटे में आप अपना मोबाइल अलार्म लगा सकते हैं और हर एक घंटे में ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। टेक्स जस्ट 2 मिनट्स, मैक्सिमम 9 मिनट्स। एंड यू नॉट एम्पावरिंग जस्ट योर सेल्फ बट आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। सो वैशाली, मैं कहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आई और हमारी ऑडियंस इतने मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि हम डेली 7:45 PM इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह, इसी लिंक पर लाइव रहेंगे और इमर्जिंग पावर्स विद इन पे हम डेली बात करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप हमें प्रश्न भेजिए और हम आपसे बात करेंगे। वैशाली हमारे साथ बात करेंगी और भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिस्टर्स, वो हमारे साथ बात करेंगी। और इट इज़ ऑल अबाउट कि हम हवा में पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी अपने थॉट्स की, पॉजिटिविटी अपने कर्मों की। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली एक बार फिर से आपका आज मोमेंट बहुत दिन। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू बाबा। थैंक्स बाबा। थैंक यू।